नौजवान आज घर च फकीरी आ गई, आज घर च फकीरी आ गई, बेटी मां दी गोदी च बैठ के अम्मा नु भी पुछदी है मां शादी पे नहीं जाना, फरमाया बेटी ऐसा नहीं जाना, अर्ज की दी अम्मी क्यों नहीं जाना, फरमाया बेटी कदे मां मलके मक्के दी मलका रही हूं, कदे मां मक्के दी ते अरब दी मलका रही हूं, आज इन शरीकां दे घर सी शादी ते टुर गई हूं, इन शरीका दी औरतां ने मैंने मारने ने, खदीजा दी बेटी जारा आई है उन्हें चंगा सूट भी नहीं पहने आओ, इस दादा ने जेवर भी नहीं पहने आओ, इस बात से बेटी उन्हें शरीका मैंने मारने ने, अच्छा शादी पे नहीं जाना, उस वेले बेटी ने माओ दे गले च पावा पा लिया, ते बेटी ने जिदा जुमला बोलिया सारी कहना दिया बेटियां दी लाज रह गई, ते बेटी मां दे गले पावा पा के कहने लगी अम्मी जान आओ शादी पे चलने, ऐसा दुनिया दा देवर की करना है, अबू ते फरमा देने मोमिन दी बेटी दा हया यो दा देवर हुंदा। अज दवनवान ने हजूर सैयद कायनात राहत कलब मुस्तफा नूर दीदा मुस्तफा शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात मेरे आखले सलातो सलाम दे दिले अनवर दा सुकून तो मेरे नबी दे बेड़े पाक दी रौनक के पाक हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दे ज़िक्र पाक और आप दी सीरत तैयबा दे चंद गोशे मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अर्ज़ करांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी, इस आयत मुबारक दे ज़िमा दे अंदर मुफस्सिरीन ने एक बड़ा मारूफ वाक़िया लिखे कि हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बचपन च बीमार हो गए, बुखार आ गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं खबर मिली तो हजूर अपने दोतरियां दी तीमारदारी वास्ते अपनी बेटी के घर तशरीफ लेके आए, सहाबा के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नाल तशरीफ लेके आए। किसी सहाबी ने मौला अली नूं मशवरा दिता कि तुसीं को मन्नत मान लो, को सुखना सुख लो, कोई नज़र मान लो ताकि अल्लाह तुहाडे बेटियां नूं शिफा अता करे। मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेरे पुत्रा नूं शिफा देवे ते मैं तीन रोजे रखांगा। परदे च सैयद ज़हरा पाक फरमावन लगियां अल्लाह मेरे बेटियां नूं शिफा देवे ते तीन रोजे मैं भी रखांगी। हजरत सैयदा फिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमावन लगियां हसनैन करीमैन ठीक हो जावन तीन रोजे मैं भी रखांगी। और एक रवायत के मुताबिक हजरत इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह शिफा अता करे तीन तीन रोजे असी भी रखा गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोतरियां की तीमारदारी करके घर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमउल बहरैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने शिफा अता की थी। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया कि जिहड़ी नजर मनो उन्हें पूरा भी करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सारी अहले बैते अतहार घर वाले ने पहला रोजा रख लिया। मौला री सारा दिन मजदूरी करके कुछ खजूर कमा के ले आए, उन्होंने खजूर बेच के ते आपने जौ खरीद ले, जौ खरीद के लिया के सैयद ज़हरा पाक नो अता की ते आपने पीस के आटा बना के रोटी बना ली, दस्तरखान सजा लिया, ऐन अफतारी दा वेला ते दरवाजा खटकिया। मौला अली ने पूछा कौन, दरवाजे चो आवाज आई हजूर एक मुस्कीन आया ते मैनू खाने की जरूरत है, भुख लगी ते नबी दे घर वाले कुछ खावन अता करो। मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना उठाया, दस्तरखान उठाया, सारा मंगते नूं अता कर दिता। पहला रोजा पानी ना रखिया ते पानी नाल इफ्तार कर रहा, दूसरा रोजा पानी ना रखिया, ऐन दूसरे रोजे की इफ्तारी का वेला फिर दरवाजा खट गया। पुछया कौन, आवाज आई एक यतीम आया, नबी के घर वाले कुछ खावन अता करो। शेर खुदा ने दस्तरखान उठाया तो यतीम नो अता कर दिता। दूसरा रोजा फिर पानी नाल इफ्तार किया, तीसरा पानी ना रख लिया, ऐन अफतारी का वेला आया फिर दरवाजा खट गया। पुछया कौन, आवाज आई हजूर एक कैदी आया ते नबी दे घर वाले कुछ खावन अता करो। मंडियाला चट्ठा वाले तीसरे दिन भी शेर खुदा ने सारा दस्तरखान उठाया ते मंगते नु अता कर दिता।
मगरिब की नमाज पढ़ के जो मौला अली घर आए तो वेख्या कि जिस्मां दे अंदर सारे दे नकाह ते कमजोरी आ गई। अज तीन दिन का लगातार फाका है। इधर मौला अली आए थोड़ी देर बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। मौला अली ते सैयदा ज़हरा पाक नु सामने बिठा के नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, अली ते ज़हरा तीन दिन की करते रहे हो? अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, सी तीन दिन सखावत करते रहे हैं। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, सखावत तुसी अपने बेड़े करते रहे हो, रब कुरान मेरे बेड़े उतार रहा है। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की फरमा दे? उस वेले नबी करीम अलैहि सलाम ने इस आयत मुबारक की तिलावत फरमाई, आखो सुभान अल्लाह। ते मैं भी पढ़ा भाई, मैं मंडियाला चट्ठा जिन्नी देर के बाद आया, तुसा मेरे वास्ते सुभान अल्लाह को जोड़ के रखी के नहीं? वो जिन्नी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी सारी मैनू दे दो, मैं नाल लै जावा। जे तुसा इंज दी सुभान अल्लाह कहनी सी ते मैनू वैस नू दस देंदे, तुसी मैं फोन ते तकरीर सुना देंदा, तुसी सुभान अल्लाह दा मैसेज कर देंदे, मेरा सफर बच जांदा है। उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह। बुखला खोलो ना ते अपना भी ते नाल देता भी, हाथ चुके जगा के ते हिला के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले मैनू पता लगे मैं अपने अच्छे बैठा भाई, उच्चा बोलो सारे। मैं दुआ करना स्टेज वाले सारे आमीन फरमान करी साहब, आमीन फरमाओ, मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ आ रहा, अपने वालदैन नाल उमरा करके आवे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सवे ते ख्वाब विच कबली वाला ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफल च सोने दा दीदार करा दे। आ हुण काम इत्थे रख्या जे, लंगर थोड़ा घरों भी खा के आया करो। हैं आ बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा हो जांदा है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ओके जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा सरकार दी तकसीम चो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया भाई ते वो नतह माला हुफी
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ایتھو جبریل بھی جدو لنگر لے کے ٹرے آوے گا پڑھیے رل کے بھائی مڈیالے والے ہو تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کہ میرے کو شہید نہ ہو جائے ویڈیو گجراتیاں ویخ لئی تے انہاں کہنا اسی صاحب ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے اوتے اے تواڈے کول بول دے ہی نہیں سبحان اللہ گوڈے چھڈو تے ہاتھ چکو اونچا بولو سبحان اللہ جبریل بھی جاندا کہندا اوے گا بڑا لجبا ہے تیرا ترانا یا رسول اللہ بڑا لجبار ہے تیرا ترانا یا انجنی بھائی جنوں جنوں لنگر ملدا نا نبی دی یار دا صدقہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جے تے نہیں نہ مندا جڑا او اور دی گل وکھری ہے پر اتھے میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ بھی فرماندے نے آل اولاد تیری دا صدقہ سبحان اللہ رسول اللہ بڑا لجبار ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبار ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجبار ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ اللہ نے رجا فرمایا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا سبحان اللہ گرامی قدر بڑا لجپال ہے تیرا گرانا نہیں بولے تسی گرامی قدر حضرات اجما سیدہ طیبہ طاہرہ دا ذکر چھڑن لگا ویس مدنی میاں جن پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرن والے ابو محمد ہوئے او جڑی رسول اللہ دے ویڑے پلی ہوئے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا فاطمہ جدو میرے شکم میں چائی نا آ فرما دیا میں نے 9 مہینے اپنے وجود چ مشک تے عنبر دیا خوشبو آدیا رہی تائیں جدو سیدہ زہرا پاک اپنی امی جان دی گود چائی نا نبی پاک نے کدے کدے بیٹی نو گود وچ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سنگنا کسے عرض کیتی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سنگ دیو نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے بس کرو یار ہن مینوں تقریر کر لندی بس پلیز بس کرو چھڑکا نہیں بس کرو بھائی فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے کیوں نہ جنت دی خوشبو آوے میرے تے تہاڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا ہے ایک بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کردا صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा ओ खजूर की टहनी लेके आ, एक शीशी लेके आ। बाबा शीशी और खजूर की टहनी लेके आया। नबी करीम ने उस खजूर की टहनी इस तरह करके अपने बाजू मुबारक से पसीने का कतरा उतारिया, उस शीशी च भर के फरमाया जा बाबा तोहफा लै जा, जो बेटी दुल्हन बन जाए तो उन्होंने इत्र ना लगावी, अज मुहम्मद का पसीना लगा दे। नौजवान हदीसे पाक जी जांदा बैठी बाबे की बेटी दुल्हन बन गई, उन्हें नबी करीम का पसीना लगा दिता, ओदा दामाद दूल्हा बल्कि आया, उन्हें भी नबी करीम का पसीना लगा दिता। हदीसे पाक जी आंदे उन्होंने घर वाली इशारा करके लोग कहते ने ए बैतुल मुतय्यबीन ए खुशबू वालों का घर है। उलमा फरमांदे ने उस दुल्हन ते दुल्हे जो नबी की खुशबू नहीं आती, अगो जड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी मुहम्मद की खुशबू आती, पर मंडियाला चट्ठा वाले गल इत मुखी नहीं, गल इत मुखी नहीं। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए। कितने 850 साल बाद इमाम कस्तलानी मेरे नबी तो बाद पैदा हुए। आप फरमाते जब मैं वडेरा हो गया यानी नबी पाक तो 900 साल बाद आप फरमाते ने मैं मदीना तैयबा गया ते मदीने दिया गलियां च मैं उस दुल्हन दी नसल जो बच्चे वेखे उन्हें जो अजबी मुहम्मद की खुशबू आंदी सी। ओ मंडियाले वालियो जिन्नू एक पसीने दा कतरा मेरा बाही भेज देवे 1000 साल तक दी नसल चो मुहम्मद की खुशबू आवे ते जेड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे, ओ जेड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे ओदे चो किन्नी को खुशबू मुस्तफा दी होंदी होवेगी। मेरे आका ने फरमाया फातिमा इहदियां ज़ुल्फां नूं सुंघना मैनूं जन्नत दी खुशबू आंदी है। आला हज़रत ने ताईं फरमाया उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए चल दिए कूचे पसा दिए। ओ जिदे विच्चों मुहम्मद अरबी नु जन्नत दी खुशबू आवे, मां दी गोदी विच आईयां, तरबियत मुस्तफा ने कीती। आओ एक बचपन दा मैं तुहानू हसीन जिहा वाकिया सुनावां, तवज्जो है, ऊंचा बोलो मोती अली सरकार। ये लंगर बंटते नहीं छड़े क्यों नहीं बोलते, इन्ना ऊंचा सुभान अल्लाह बोलो गला खराब हो जाए लोग पूछन की होया ते आखे नबी पाक दी बेटी दारा पाक दा जिक्र होंदा सी मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ते जन्नत च एक दरख्त लगदा है। अज इतनी मरतबा सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे मैं जन्नत च बाग लगा के आया हां। ओ जिदा डीएचए विच या बैरिया टाउन च 10 मरले दा पुत्ता वे उनू रात नींद नहीं आंदी, मैं एडा अमीर हो गया ते ओदे जिन्ना अमीर कौन हो सकदा जिदा जन्नत च बाग लग जाओ। लिहाजा अपने अपने हिस्से दा जब बाग लगा के जाओ ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मुहल्ले दे अंदर शादी आ गई कुरैश दे खानदान विच ते औरत अम्मा खदीजा को लाके कह लगियां कि कल साड़ी बेटी दी शादी है ते अपनी बेटी नूं लेके आया जी। शादी दा कार्ड आवे ना ते तुहानूं पता है कि बच्चियां नूं चाह ज्यादा हुंदे ने ते वड्डियां नूं चाह थोड़े हुंदे। शादी दा दिन आया ते सैयदा ज़ारा पाक टुड़ियां टुड़ियां अपनी अम्मी जान दी गोद विच आके बैठ गईयां ते अर्ज कीती अम्मी जी असां शादी ते नहीं जाणा। फरमाया बेटी असा नहीं जाना। अम्मी क्यों नहीं जाना? हुण इहो अम्मा खदीजतुल कुबरा जिहड़ी कदे मक्के दी मलका होंदी सी जिन्हों लोग मलका ए अरब कहते सन, मलका ए मक्का क्योंकि दौलत इतनी
कि अरब के सारे अमीर की दौलत एक पलड़े च रखी जाए तो अम्मा खदीजा की कली की दौलत एक पलड़े च रखी जाए तो आप की कली की दौलत सब तो ज्यादा सी। पर जिस दिन हुई ना मेरे नबी नाल शादी, शादी की पहली रात अम्मा खदीजा ने जिंदगी की सारी दौलत कट्ठी करके तो मेरे नबी के कदम च रख दी। सीरत निगार फरमा देने कि इतना ऊंचा सोने का ढेर सी कि उस सोने के ढेर दे एक तरफ नबी करीम बैठे थे, एक तरफ अम्मा खदीजा बैठी है, फरमा दिया मेरे ते नबी दे दरमियान इतना ऊंचा सोने का ढेर सी कि मैंने हजूर नजर नहीं सन आ रहे। सोने का ढेर नबी दे कदमा जरा के अर्द कर दिया ने सब कुछ यार, सब कुछ यार हवाले तेरे, जिंदड़ी जान भी तेरी, मेरा ते हुन मालिक तो यो हो रे का सारी जिंदगी कमाई खा के शोहर दी नाम नहीं करना, पेकिया तो आ जाए ना 2000 ईद मजाल है किसी हाथ लगा जाए सारे मोहल्ले की बीबिया दसना अब्बा जी बहिश्ती ने पिछले साल 2000 ईद भेजी पर शोहर की कमाई का नाम नहीं लगा। पर इन औरतों वास्ते उस औरत का किरदार वे मेरी ते तेरी रूहानी अम्मा ते वास्ते ओ किरदार वेखना मां साडी दा उन्हें जिंदगी दी अपनी नहीं बाप दादे परदादे दी कमाई सारी दौलत मुहम्मद दे कदमा च रख दित्ती ते आख्या सब कुछ यार हवाले तेरे। पर वाह कमली वाले फिर मैं तेरियां भी अमीरियां तो सदके जावां। मेरे नबी ने सवेर दा सूरज तलू नहीं आउन दित्ता, सारी दौलत मक्के दे गरीबां च वंड दित्ती। अम्मा खदीजा ए नहीं आख्या सोने मैं कमा दिया जिंदगी लगाई है तू मर दिया रात भी नहीं लाई, आख्या सब कुछ यार हवाले तेरे। उस औरत का किरदार वे जेड़ी औरत ने फातिमा वर्गी मां नु पालिया बेटी नु पालिया सी उस मां का किरदार वे उस बेटी नु उस मां ने पालिया सी। नौजवान आज घर च फकीरी आ गई, आज घर च फकीरी आ गई, बेटी मां की गोदी च बैठ के अम्मा नु भी पूछ दी अम्मा शादी पे नहीं जाना, फरमाया बेटी ऐसा नहीं जाना, अर्ज की थी अम्मी क्यों नहीं जाना, फरमाया बेटी कदे मैं मलके मक्के दी मलका रही हूं, कदे मैं मक्के दी ते अरब दी मलका रही हूं, आज मैं शरीकां दे घर सी शादी ते टुर गई हूं, इना शरीकां दी औरतां ने मैंने मार लेने, खदीजा दी बेटी जारा आई है उन्हें चंग सूट भी नहीं पहने आओ, इस दादा ने जेवर भी नहीं पहने आओ, इस बात बेटी ना शरीका में मारने ने अच्छा शादी पे नहीं जाना, उस वेले बेटी ने माओ दे गले च पावा पा लिया, ते बेटी ने जिदा जुमला बोलिया सारी कायनात दिया बेटियां दी लाज रह गई, ते बेटी माँ दे गले पावा पा के कहने लगी अम्मी जान आओ शादी पे चलने आ, असा दुनिया का देवर की करना है, अबू ते फरमा देने मोमिन की बेटी का हया जेवर होंदा, मोमिन की बेटी का हया जेवर होंदा, मोमिन की बेटी का हया जेवर होंदा है। वाह क्या तरबियत मां ने की सी, क्या तरबियत मां ते बाप ने की सी। वो छोटी जी बेटी ने सजन मां नू आख्या अम्मी असा दुनिया का जेवर की करना है, अबू फरमाद ने मोमिन की बेटी का हया योदा जेवर होता। चंद दिन पहले औरतों ने औरत मार्च किया ते नारे लगाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਹਸਾ ਉਸਵਾ ਹੈ। उस बेटी ने कायनात दी सारियां बेटियां नूं दस दिता के हया बेटी दा जेवर हुंदा है। ए पुराने जमाने च बुजुर्ग बैठे जदों माइयां चरखे कतदियां सन ते चरखा खराब हो जाना ना ते उन्हें गवांडर नूं कहना मेरा चरखा खराब हो गया ते दो चार दिन मैनूं को चरखा उधारा दे दे। उधार चरखा लैके ना ते उन्हें पूनियां कतनियां दो चार पांच दिन उधार चरखा लैके पूनिया कत के बेच देनिया ते ओ पूनिया दी कमाई अपने वर्त लैनी इस्तेमाल कर लैनी ते चरखा मालक नूं वापस कर देना। आ जिहड़ा तेरे ते मेरे जिस्म दा चरखा है ना ये रब ने तेनों मैनूं दित्ता अमलां दीआं पूनिया कत्तन वास्ते। इस चरखे नाल जिहड़े अमलां दीआं पूनिया कत लैनिया ओ अपनी कमाई चरखा मालक नूं वापस लैना है। जड़े मालकां चरखा दिता उन्हें अमलों वास्ते उधारा दिता है। इस चरखे ने जड़िया अमलों दियां पूनियां कत लिया तेरी कमाई हो जानी ते चरखा मालकां वापस लेना। पता चलिया ना जिसम तेरा ते ना मर्जी तेरी चरखा भी मालकां दा ते मर्जी भी मालकां दी। ए मर्जी मालकां दी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों उस बेटी की क्या तरबियत मां ने की अबू ने की जिन्हें बचपन च आख्या अम्मी अबू फरमा ने मोमिन की बेटी का हयाओ का जेवर होगा। वैसे मदनी मैं तुम्हें मुबारक देना कि तुम मैंने मौजूद दिता है। मैंने बेटिया तो बेटिया समझावन का कट्ठा मौका मिल गया ना। याद रखियो मेरी मिल्लत के नौजवानों सिर्फ बेटी का जेवर हया नहीं आता पुत्र का जेवर भी हया ही आता है। इस्लाम ने सिर्फ बेटी नहीं आख्या तू चेहरे से पर्दा रख। इस्लाम ने पुत्र भी आख्या तू भी निगाहां नीवियां रख। जब बेटा निगाह नीवी रखे तो बेटी चेहरे से पर्दा कर ले तो मुआशरा आप ही ठीक हो जाता है, आप ही ठीक हो जाता है। नौजवान मैंने बार बार अवैस कह रहे कि जरूर पढ़िया जे वह मनकबा जरूर पढ़िया जे ना पढ़ा तो मेरा अपना गुजारा ही नहीं आता भाई। पढ़ दे हूं मौका आया ना पढ़न का भाई। पढ़ोगे मेरे रल के किदा दिल करदा मैं कयामत नूं उठां ते मेरी शफात रसूलुल्लाह दी बेटी कर देवे। तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए दिले मुस्तफा द चैन ते करार फातिमा। दिले मुस्तफा द चैन ते करार फातिमा। मुस्तफा चैन पे करार फातिमा। ए दिल मुस्तफा द चैन पे करार फातिमा। मौला अली दे घर दा सिंघार फातिमा। कौन नबी दी बेटी फातिमा। ए बेटे शहीद बाप नबी तैयबा। ए बेटे शहीद बाप नबी तैयबा। ओ जन्नत दी हुक्मरान ते सालार फातिमा। ओ जन्नत दी हुक्मरान ते सालार फातिमा। सही सरदार अल्लाह तेरी कबर मुनवर करे कहंदा सरदार जो भी मगनाई तरे फातिमा तू मगे के मुख्तार कुल दी बेटी है। मुख्तार फातिमा फातिमा। ए मुख्तार कुल दी बेटी है। मुख्तार बेटी है मुख्तार फातिमा। ये और रसूलुल्लाह की बेटी जा रहा है कि मेरे सियालकोट का कलंदर ते लाहौर का दरवेश
مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے رسول اللہ دی بیٹی زہرا جدیاں تیریاں شانہ نے نا کدے تیرے باپ دی شریعت دیاں بیڑیاں پیراں چ نہ ہون تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کریا کر اقبال نے فرمایا میرا جی کردا سیدہ زہرا میں تیری تربت انور دا طواف کراں پر شریعت اجازت نہیں دیندی اتھے بڑے 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 کہہ گئے الہی بحق بنی فاطمہ اتھے بڑے بڑے کہہ دے آل اولاد تیری دا منگتا او دروازہ جتھے بڑے بڑے منگتے بن کے آنے اے میرے تے تہاڈے دروازے تو منگتا آوے نا تو کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے آواز گدا رونق دربار کریم است منگتے آندی تے گداواں دی آواز سخیاں دے بوئے آندی رونق آندیاں نے نہیں سمجھے کسے دے دروازے صبح صبح دو منگتے کھلوتے ہوں تے گزرن والے نو پتہ لگدا گھر والا کوئی سخی ہے کسے دے دروازے کو دس بھی منگتے کھلوتے ہوں تے لگدا کوئی وڈا ہی سخی ہے تے جدے بوئے تے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہوں اودے نال وڈا سخی کون ہو سکدا ہے تے گدا دا کام ہوندا سخی دے بوئے جا کے تے آواز دینا تے صدا دینا او کہندا گھر والے تیری خیر ہوے او نہ توجہ کرے تے کہندا گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوے نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نا بچیاں دی واری پھر دل کردا کچھ دے دیواں میرے بچے دی خیر پیا منگدا تے مرض کیتی یا اللہ جے تیرے کول منگنا ہوے اللہ فرمایا نہ میرا کاروبار ہے تے نہ میرے بچے نے تے یا اللہ پھر تیرے کول کیویں منگنا اللہ فرماتا ہے کہ میرا ماں ہی ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا وی جو منگے گا دے دے گا یہ او دروازہ جتھے آ کے سید زہرا پاک دی خیر منگی ہے میرا نبی خالی نہیں جان دے گا او ساڈے بچے دی خیر منگے تے اسی نہیں خالی جان دیندے تے جڑا محمد دی دھی دی خیر منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر منگے کملی والا کدو خالی جان دے گا میری ملت دے نوجوانوں اماشا صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم کول بیٹھیاں تے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ اللہ نے تہاڈے ورگا دوسرا کوئی نہیں بنایا پر حیرت دی جا اے ویکھے فاطمہ ویکھن چ وی تہاڈے ورگی ہے ٹر دی تے انج لگدا جویں ٹور محمد دی بول دی تے انج لگدا جویں آواز محمد دی اٹھ دی تے انج لگدا جویں ادا محمد دی سبحان اللہ یا رسول اللہ رب نے تے تہاڈے ورگا دوجا بنایا کوئی نہیں تے فاطمہ تہاڈے ورگی ہر ادا چ کیوں لگدی ہے میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے اہل علم مدرات شریف فرما نے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کہ زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے نبی پاک دا وجود اطہر ہے یعنی قبر انور دا اس زمین دا حصہ جتھے اس ویلے نبی پاک دا وجود اطہر جسم مبارک پیا ہے او جڑا زمین دا ٹکڑا ہے او جنت نالوں بھی افضل ہے اور خدا دے عرش نالوں بھی افضل ہے اچھا جدے نال نبی دا وجود لگ جائے اس زمین دا ٹکڑا عرش تے جنت نالو افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دے نہیں میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہاں میں تے گل ہی محمد دے ٹکڑے دی کرنا اچھا جڑی مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے تے مکے دی مٹی قدم چومے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کے رب اس مٹی دیاں تے قسمہ چکے او جڑا نبی دے قدم چومے اودیاں قسمہ رب چکے تے جدا مٹھا ہی نبی چومے جدا متھا ہی نبی پاک آپ چوم لائے اس زہرا پاک دیا شانہ نو مکی بیان کروں جدا متھا ہی نبی آپ چوم میں بیٹی یہاں دیئے تو میرے آقا اٹھ کے بیٹی دے پیار بچ اٹھ کے کھلو کے بیٹی دا متھا چوم دینے تو بیٹی بابا دا ہاتھ چوم دیئے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں نبی کریم کل بیٹھا تے اچانک سید زہرا پاک آ گئیاں یقیناً اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی دا استقبال کیتا متھا چومیا او یار آج کو بیٹی نہ باپ پیار کرے نا تے حیرت دی گل نہیں میں اس دور دی گل پیا کرنا جب لوگ تیانو زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی دی آن دی سونا اٹھ کے کھڑا ہو جا حضرت عمر فاروق فرما دینے نبی کریم دی بیٹی زہرا آئیاں سید عالم نے اٹھ کے بیٹی دا متھا چومیا اپنی بیٹی نو سینے لگا کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ
मेरे अकाली सलाम वाल बैठ अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने कमली वाले आए तेरे तो मेरे मापे कुर्बान हो जान हजरत मेरे फारूक फरमा देने कमली वाले आ तेरे तो मेरे मापे कुर्बान हो जान उस जमाने गनी मौला अली हजरत बिलाल हजरत तलहा जुबैर अबू हुरैरा सारे सहाबा कहंदे ने कमली वाले आ तेरे तो मेरे मापे कुर्बान हो जान नबी दी बेटी जारा आईया पता नहीं नबी नु बेटी नाल किन्ना प्यार आया सीने लाके फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फरमाया बेटी जारा सारे जग दे मापे मेरे तो कुर्बान ने मेरे मापे तेरे तो कुर्बान फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फातिमा ते तो मोहम्मद दे मापे कुर्बान हो जाओ उस जहरा पाक दी शाना कौन बयान करे एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका ते हजरत सैयदा जहरा पाक मां ते बेटी इकट्ठियां बैठियां अम्मा आयशा पावे सोतीलियां ने पर हिन ते मान तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो सुभान अल्लाह एडी डेली सुभान अल्लाह दा मैं गा के नहीं हां हाथ चुक के बोलो पता लगे जूंदे जागदे च बैठा ए बेड़ा है ना अम्मा हलीमा दे बेड़े दा सदका वसदे रखे रब ताला ए फिजामा मडियाला चट्ठा दिया सुभान अल्लाह पूरा साल गूंजन फरिश्ते झुक झुक एक दूसरे नु कहन आओ मडियाला चट्ठा जिथे नबी दा मिलाद हुंदा सुनी सुभान अल्लाह कह के जा मेरी मिल्लत दे नौजवानों अम्मा आशा सिद्दीका उम्र विच ज़ाहरी तौर ते हजरत सैयदा ज़ारा पाक नालों छोटियां सन पर याद रखियो उमरां वड्डियां नहीं होंदियां रिश्ते वड्डे हुंदे ने है ना रिश्ते वड्डे हुंदे ने अम्मा आशा सिद्दीका ते अम्मा दोवें मां बेटी ना सैयदा ज़ारा पाक भी बैठियां ते नाज आया सैयदा ज़ारा पाक नूं फरमा दिया अम्मा जी तुसी किसे भी मुकाम ते पहुंच जो मेरा मुकाबला नहीं कर सकदियां अम्मा आशा फरमान लगियां फातिमा क्यों ते सैयदा ज़ारा पाक फरमान लगियां जिस भी मुकाम ते पहुंच जाओ फिर भी तुसी अबू बकर सिद्दीक दी बेटी ते मैं मुहम्मद रसूल दी बेटी तुसी मुक्तदी दी बेटी मैं इमाम उल अंबिया दी बेटी तुसी गुलाम दी बेटी मैं आका दी बेटी तुसी मेरा मुकाबला नहीं कदे कर सकदी हुण अम्मा आशा भी बड़ियां फकीहा सन आप कबूल के फरमा दिया फातिमा तेरा मेरा कादा मुकाबला मैं मुक्तदी दी बेटी तू आका दी बेटी ते इमाम उल अंबिया दी बेटी मैं गुलाम दी तू मालिका दी बेटी मैं अबू बकर दी तू मुस्तफा दी बेटी तेरा मेरा कादा मुकाबला पर ये दुनिया दियां गल्लां ने कयामत दे दिहाड़े लग पता नहीं जाना जदों जन्नत च मैं नबी नाल जाना तू अली नाल जाना मैं नबी नाल जाना ते तू अली नाल जाना है अम्मा आयशा दा जवाब सुन के सैयदा चुप कर गई हो अम्मा आयशा ने वेखिया ज़ारा परेशान है अपनी जगह तो उठ गया कि सैयदा ज़ारा दा मथा चुमिया मथा चुम के फरमान लगिया ज़ारा इत्थे गल्लां दियां गल्लां ने जिथे तेरा मुकाम है मैं राती उठ के सजदे च दुआवां करनिया या अल्लाह मैनू आशा ना बना दा फातिमा दे सिर दा वाल ही बना आशा ना बना दा मैनू फातिमा दे मथे दा माल बना दे ओ रसूल अल्लाह दी बेटी जिथे अम्मा आशा भी आखन फातिमा तेरे सिर दा मैं वाल ही हो जावां ओ बोलिया जो सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह दी बेटी दी सीरत दी किताबां लिया के बेटियां नूं दियो अम्मा आशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी सीरत दी किताबां लिया के दियो जिथे बेटियां नूं टीवी लैके दे दियो ना केबल लगवा के दे दियो पुत्रां नूं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दी किताबां ते बेटियां नूं अम्मा आशा ते सैयदा ज़ारा पाक दी सीरत दी किताबां भी लिया के दे दियो फिर अपने घर दा माहौल देखिया जी मेरी मिल्लत दे नौजवानों इस आसमान दी अख ने मुहम्मद अरबी नालों वध के दुनिया च सखी कोई नहीं वेखे सुभान अल्लाह मिंबरे रसूल ते बैठ के दावा कर रहे हैं पर मुस्तफा तो बाद इस आसमान दी अख ने सैयदा ज़ारा पाक नालों वड्डा सखी भी नहीं वेखे सुभान अल्लाह ओदी हर अदा ही नबी वर्गी सी बाबा सारी रात जागदे ने ते ओ भी सारी रात जागदी है सुभान अल्लाह
नबी पाक सारी रात जाके उम्मत लई दुआ करदे ने, तू भी सारी रात जाके उम्मत लई दुआ कर। इन्ना रात जागदियां कि मदीने दियां औरतां आके कहदियां, सैयदा एडी लंबी रात एक सजदे च किवें गुजार लैंदी हो? ते फरमांदियां, रात लंबी कदों है? अदे ते इको बारी मैं सुबहान रब्बी अल आला पढ़े ते रात खत्म हो गई। फरमांदियां, मेरा ते जी करदा कदे अजल तो लैके अब तक एक रात बन जाए, मैं सारी रात इको सजदे च गुजार जाऊं। जो महफल खत्म होनी ते दुआ दा वक्त आना, किसे कहना आसी साहब मेरे लिए दुआ करिया जी। कोई कहता मेरी अम्मी वास्ते दुआ करो, अल्लाह उन्होंने साया सलामत रखे। कोई कहता मेरे अबू लिए दुआ करो, मेरे रब बाप नू ना मेरे अल्लाह सेहत अता करे। कोई कहता मेरे बच्चों लिए दुआ करो, कोई कहता मेरे कारोबार लिए दुआ करो। यानी इबादत करके असी या अपने लिए दुआ करने या अपने लिए दुआ करने। इमाम हसन फरमाते ने, मैं बचपन च वेख्या सारी रात सजदे च गुजार के सुबह जो दुआ का वेला आंदा ना, तो मेरी अम्मी ना मेरे अबू लिए दुआ करती, ना मेरे लिए दुआ, ना मेरे वीर हुसैन लिए, ना मेरी बहन जैनब के कुलसूम लिए दुआ करती। हाथ चुक के अर्ज कर दी, जब जगराता कबूल है तो मेरे पापा दी उम्मत दे गुनाह माफ फरमा दे। लजपाल रसूल दी लजपाल बेटी, उदी वजह की बेटियां कोल बाप रोंदे नहीं वेखे जांदे। बेटी का अपने बाबा ना प्यार इस कदर सी कि जो वेखे ना बाबा सारी सारी रात रो के उम्मत लई दुआ कर। बेटी दे ज़हन च ख्याल आया, होवे ना ते मैं भी उम्मत लई दुआ ना करा, मेरे बाबा नो अल्लाह तसल्ली दे देवे कि उम्मत बख्शी जावेगी, मेरे बाबा रोन ना हो, मेरे बाबा ना रोनो। बेटी आप रोना शुरू होगी, मेरे बाबा ना रो। मेरी मिल्लत ना जबान एक दिन जिब्रील आयत लेके आए, वा इन मिनकुम इल्ला वारी दुहा कान अला रब्बिका हतमा मक्दिया। आयत पाक दा मफहूम ऐसी कि कयामत नु सारे नु पुल से रात गुजरना पवेगा। क्यामत नु दोजख दे ऊपर एक पुल रखिया जावेगा, 500 साल का सफर होगा, वाल नालो बारीक तलवार नालो तेज होगा। सारे गुजरो, नेक भी गुजरो ते गुनाहगार भी गुजरो। नेक ते अख झपकन दी देर च गुजर के सामने जन्नत होगी, जन्नत से चले जाएंगे ते गुनाहगार कट कट के जमीन च दोजख च गिर जाएंगे। आयते पाक नाजल हुई ते मेरे नबी नु ते पहले ही सुकून नहीं उम्मत दी याद च, हुण ते मेरे अकाल सलाम दा गम दुगना हो गया। दिने भी रोना ते रात भी रोना, दिने भी रोना ते रात भी रोना, मेरी उम्मत दा की बनेगा? गुनाहां दी पन्ना उठा के पुल से रात किवें गुजरन? सरकार नु सुकून नहीं मिल रहा ते मेरे आका एक दिन मदीना तैयबा तो निकले, गली ते गली चो बाजार ते बाजार चो जंगल ते जंगल तो पहाड़ ते पहाड़ दी गार च जाके नबी करीम ने सजदे च सिर रखिया ते रब्बे हबली उम्मती दी दुआवां ते नबी रोना ते रात भी रोना। अज भी मदीने जाओ ते गारे तौबा बड़ी मशहूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने अनीसुल जलीस च लिखिया, दिन ते रात मेरे नबी रो रहे। इधर मदीना तैयबा एक दिन गुजरिया, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, सरकार नजर ही नहीं आ रहे। साहब एक दूसरे ने पूछते नहीं, हुजूर किथे गए? किसी ने खबर नहीं कि सरकार किथे गए। जड़े यार दी एक घड़ी जुदाई बर्दाश्त नहीं सन करते, तीन दिन कौन जुदाइयां बर्दाश्त करे? साहबा मस्जिद नबी च बैठ के रो रहे, कोई इस नुकरे बैठ के रो रहा, कोई उधर बैठ के, कोई मसला ते मेंबर खाली बैठ के रो रहा। नबी पाक दी यादा साहबे के बार रो रहे। आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, तुर गए ने दिलदार दिला दे आए, पतनों चुके मुहारा, उजड़ी बस्ती नजरिया, खंड दिती जदिया आराम। नौजवान हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने, मैनू ख्याल आया मैं नबी करीम नू ढूंढ के लैके आवा। फरमाते ने, मैं तुरिया तुरिया जंगल के अंदर आया, जंगल च आवाजा दे रहे, कमली वाले आओ, कमली वाले, कमली वाले आओ। किधरों सरकार दी आवाजा ना आई आओ, एक आ जड़ी बकरियां पे चार दाए करीब आके फरमान लगे, आ जड़ी आ किधरे मेरा नबी वेखे आई, अजड़ी कह लगा मैं तेरा नबी नहीं वेखे आओ। पर अज तीन दिन गुजरे ने, मेरिया बकरियां ना कुछ खादिया ने, ना कुछ पीदिया ने,
सामने गारे अदरों किसे रोन दी आवाजा नहीं आदिया ने मेरिया बकरियां गार दे मुंह अगे मुंह रख के रोई जांदियां ने आपने पूछे गार च आवाजा की आदिया ने कह लगा आवाजा आदिया ने उम्मती 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 फरमाया जड़िया वो ते मेरा नबी है जेड़ा उम्मत गम च रोई जा रहा हदरे के बुरा रोंदिया गार दे अंदर आए नौजवानों मेरे नबी सजदे च सर रख रो रहे सरकार दे अथरुआं नाल सारी गार दी जमीन तरे हो गई हजरत बुरारा ने आके जफा मार लिया अर्द कीती कमली वालिया उठ सोनिया मदीना सुंजायो गया गुलामा दे कलेजे फट जान गए उठ सोनिया कमली वाले गुलाम पे रोंदे नी तो जवानों नबी करीम सजदे च रोई जा रहे हजरत बुरारा मदीने दिया गलिया च रोंदे आ गए कह लगे लोगों जल्दी जाओ कमली वाले गार च रोंदे ने सारे मदीने वाले दिया दौड़ा लग गई हजरत सिद्दीक अकबर ने आके जफा मारिया अर्ज की सुनिया उठ तेरा सिद्दीक आई उठ कमली वाले दस केड़ा गम लग गया कमली वाली आई उठ मैं रो लेना नबी करीम सजदे रोंदे जा रहे हजरत इमरे फारूक ने जफा मारिया अर्ज की कमली वाले उठ तेरा उमर आया उठ कमली वाले दस केड़ा गम लग गया सुनिया मैं रो लेना नबी करीम सजदे च रोई जा रहे सारे मदीना तैयबा वाले रो रहे किसे आख्या जल्दी जाओ कोई उन्हों बुला के लाओ जिन्हों वेख नबी नु चैन आ जाता है को नबी दी बेटी जारा पाक नु बुला के लाओ हजरत सलमान फारसी मदीना तैयबा आया है पैगाम भेजा सैयदा जल्द जल्दी आया दे नबी करीम गार च पे रोंदे ने सैयदा पर्दा करके मदीने दियां औरतां दे झुरमटे ते आईयां आके बाबा ने जफा मारे अर्ज की बाबा उठो जरा आई है बेटी दी आवाज सुन के उठ के मेरे नबी सीने ला लिया अर्ज कर दिया बाबा मेरे बाज घड़ी नहीं सो गुजार दे तीन दिन किवें गुजार लेने मेरे नबी सीने ला के फरमाया बेटी अल्लाह ने कुरान दिया है ते नाजल फरमाई है अल्लाह ने फरमाया सारे न पुलिस राह से गुजरना पवेगा न रोना मेरे उम्मती किवें गुजरन गए मेरे गुलाम गुनावा दिया पंडा चुग के किवें गुजरन गए सैयदा बाबा दे सीने लग गईया कहन लगिया बाबा रोवो ना बेटियां कुल बाप रोंदे नहीं वेखे जांदे अर्ज की बाबा रब नाल मैं आपे गल कर लैनी आं बाबा दे सीने लग के फरमान लगी अबू बकर जी मेरे बाबा रोंदे ने दसो कयामत नु मेरे बाबा लई की करोगे आपने फरमाया सैयदा मैं वादा करना वा उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत वडेरे पुलिस रात तो न गुजर जान फरमान लगिया मौला अली दसो मेरे बाबा लिखी करे गई आपने फरमाया जारा मैं वादा करना वा उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगा जब तक नबी दी उम्मत नौजवान पुलिस रात तो न गुजर जान फरमान लगिया वे मेरे पुत्रो दसो नाने लिखी करोगे हसनैन ने अर्ज की अम्मी वादा करने उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगे जब तक नाने दी उम्मत बच्चे पुलिस रात तो न गुजर जान सीने लाके कहन लगिया बाबा मैं भी वादा करनी उस वेले तक जन्नत च नहीं जावांगी जब तक उम्मत दियां औरतां पुलिस रात तो न गुजर जान नबी करीम भी रो रहे सैयदा भी रो रही सारे मदीने वाले रो रहे अचानक जिबरील भी रोंदे आ गए अर्ज की थी कमली वाले अल्लाह फरमांदा बेटी नु चुप करा लो साडे कोल जारा रोंदी नहीं वेखी जांदी कमली वाले बेटी नु कह दे चुप कर जा अल्लाह फरमांदा कयामत नु ओवें कर लवांगे जिवें मुहम्मद दी आखे लजपाल रसूल दी लजपाल बेटी मेरी मिल्लत दे नौजवानों
और जिन्होंने रात जाग के सजदे दे अंदर मेरे तुहाडी बख्शिश दी दुआ कीती अज उम्मत उन्होंने एहसाना के बदले किवें दे सके जिन्हें सब कुछ इस उम्मत वास्ते कुर्बान कर छोड़ जिन्हें औलादा अपनी ज़बह करा लिया कि दीन मेरे तक तुहाडे तक पहुंच जाए गिरामी कदर हजरात रसूलुल्लाह की बेटी ते लजपाल बेटी है कि क़यामत दे दिन ऐलान किया जाएगा अंबियाओ औलिया और सारे अहले महशर अपनी निगाह झुका लो मुहम्मद की बेटी ज़हरा पुल से रात गुज़रेगी।